नगर निगम में पार्षद और मेयर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब फिर चुनाव होना है और ऐसे में इस बार भी सत्ता पाने के लिए सभी निवर्तमान पार्षद अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड 8 से निवर्तमान पार्षद नवीन दहिया अपने वार्ड में किए गए विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। रविवार को द ग्राउंड न्यूज से बातचीत के दौरान नवीन दहिया ने बताया कि उन्होंने अपने वार्ड में हर तरफ विकास कराया है और यही कारण है कि वार्ड की जनता उन्हें अपना भरपूर समर्थन दे रही है। नवीन दहिया ने कहा कि उनके वार्ड में अंबेडकर भवन जैसा कोई भवन नहीं है। सर छोटू राम भवन मेरे द्वारा वार्ड नंबर 12 में बनवाया गया है। इसके अलावा 6 पार्क बनवाए गए, जिस पार्क को बेस्ट पार्क बनाने का अवार्ड मिला, जिसमें से 2 बसई, 1 एन्क्लेव बसई और 3 पार्क धनवापुर में बनाए गए हैं। इसके अलावा 1 मेन गेट भी लगाया गया। इसके अलावा धनकोट का इलाका जो वार्ड 8 में जोड़ा गया है, उसमें सरकारी स्कूल जो हाई स्कूल तक है उसे अपग्रेड कर हाई सेकेंडरी तक करवाना मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी। मैं नवीन दहिया पार्षद 2017 में पार्षद का चुनाव लड़ा था, तब से अब तक निरंतर लगभग 100 करोड़ के काम करवा चुका हूँ। जैसे धनवापुर अंडरपास, 2-3 कम्युनिटी सेंटर है, सूरत नगर, राम विहार, धनवापुर के लिए अलग अलग कम्युनिटी सेंटर, छोटू राम भवन, अंबेडकर भवन का निर्माण करवाया। जो आप उसकी सीवरेज की जो समस्या बता रहे हैं ना, तो सीवरेज की समस्या 11 नंबर वार्ड की वजह से है। जो मेरी सूरत नगर फेज 2 की जो 5 गलियां हैं ना, 4 से 5 गलियां हैं जो कनेक्ट हो रही हैं सूरत नगर फेज 1 में, उनकी सीवर लाइन हमेशा ओवरफ्लो रहती है, उसकी वजह से हमें भी दिक्कत है। इसलिए मैंने अपना एक टेंडर लगवाया 68 लाख के आसपास सूरत नगर फेज 2 का, अपनी कनेक्टिविटी यहीं से करेंगे मेन रोड से दोबारा से, तब आने वाले 1 से 1.5 महीने में ये समस्या हल हो जाएगी, आगे कभी कोई परेशानी नहीं है। अब मेरी प्राथमिकता है, जैसे अपना धनवापुर स्कूल है, ये 10th तक है, इसको +2 करवाएंगे, अपग्रेड करवाएंगे और तो सारी समस्या हल है। एक ही हुई लाइन जुड़वानी है सीवर की। ऐसा है, धनकोट तो मेरे पास अभी तो आया 15-20 दिन से, और वो भी अभी कंफर्म नहीं है। धनकोट के बारे में मैं बता दूं आपको, धनकोट मेरे से 1-1.5 महीने पहले ही जुड़ा है, अभी कंफर्म भी नहीं है, क्योंकि जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने या अपने एमएलए साहब हैं गुड़गांव से सुधीर सिंगला जी, इन्होंने कहा है वार्डबंदी दोबारा होगी परिवार पहचान पत्र से, तो अभी कंफर्म ही नहीं है धनकोट मेरे पास है या नहीं है। कंफर्म होगा तो धनकोट की DPR बनवाएंगे, सीवर पानी और रोड सुविधा देंगे। मेरे अपने वार्ड 12 था मेरा पहले, जो अब वार्ड 8 कर दिया है, मेरे वार्ड 12 में मेरे ख्याल से गुड़गांव के किसी भी वार्ड से सबसे ज़्यादा पार्क 6 पार्क है, जो हमने बेस्ट गुड़गांव में बेस्ट पार्क का अवार्ड भी मिला था, जो मेरा बसी में है। सबसे ऊंचा तिरंगा झंडा इंडियन फ्लैग गुड़गांव का, वो भी मेरे वार्ड 12 में है, 111 फीट का। 5 कम्युनिटी सेंटर, वो भी मेरे वार्ड 12 में है। अंबेडकर भवन तो और भी वार्डों में होगा, छोटू राम भवन मेरे वार्ड में है। गुड़गांव धनवापुर मेन रोड को अपना मॉडल रोड बना रहे हैं, जो कि लगभग 5 करोड़ की लागत से तैयार होगा, अब इसका टेंडर लग रहा है। अजीत स्टेडियम का जो टेंडर है, इसका नेशनल लेवल पे तैयार कर रहे हैं, जिसकी लागत लगभग 14 करोड़ के आसपास है। द ग्राउंड न्यूज के लिए गुरुग्राम से डोरीलाल गोला की रिपोर्ट।